नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड्स गुरु। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस लेके आता हूँ। और आज इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, पैडागोजी से रिलेटेड, जिनको करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे, या फिर किसी भी स्टेट के टेट के लिए आप प्रिपेयर होंगे। जैसे कि अभी हाल ही में एसटेट के फॉर्म निकले हुए हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन कम ऑन टेट्स ग्रू यूट्यूब चैनल। और साथ में दोस्तों, आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि आप जितनी तैयारी कर रहे हैं किस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन पेपर के ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, आज हम 11th क्वेश्चन करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस, ये अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर ये आपको किसी भी ऑप्शन में दिख जाए पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब ये है कि 99%, मैं तो कहता हूँ कि 100% ऑप्शन वही होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि मीनिंगफुल लर्निंग, देखो लर्निंग तो कुछ भी हो सकती है, बट मीनिंगफुल बोल दिया इसने, एक ऐसी लर्निंग जिसका कोई अर्थपूर्ण लर्निंग, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यू नो। तो वो लर्निंग किसी भी स्टूडेंट को कब मिलती है? जब स्टूडेंट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर एक्ट करता है, तो जो उसकी वो लर्निंग होती है दैट इज़ मीनिंगफुल लर्निंग, जो उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सीखी है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो अब सपोज़ करो किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया या बुरी संगति में आ गया, दोस्तों के साथ फंस गया, उसके दोस्त किसी बैड कंपनी में वो चला गया, तो उस वजह से नहीं पढ़ पाया। लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक टीचर मिलता है, उसकी काउंसलिंग कर देता है, काउंसलिंग करने के बाद उसको समझ में आता है, उसके एक पेपर में मार्क्स कम आ गए, तो उसको समझ में आता है कि भाई मैंने अपना लाइफ का जो 3 महीना 4 महीना पास किया है वो बिल्कुल गलत पास किया है। ठीक है, अगर मैं उसमें पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स और अच्छे आते। तो उसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इस चीज़ को देखा, समझा, दैट इज़ ए लर्निंग। आप किसी भी सरकमस्टांसिस को एनालिसिस करके वहाँ से आप सीख ले रहे हो, आपकी कोई कमी है, उस कमी को आपने परखा है और आपने उसको रिमूव किया है, दैट इज़ ऑल्सो ए पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मतलब एक्टिव होकर नॉलेज का निर्माण करना, दैट इज़ ए मीनिंगफुल लर्निंग। इज दैट क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। इनमें से किसी भी टीचर की प्राइमरी टास्क नहीं है लर्निंग के लिए, ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। तो उनमें से आपको टास्क नहीं है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं है, जो टास्क नहीं है टीचर की वो यहाँ से ऑप्शन आपको निकालना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मोनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाई एफर्ट। बिल्कुल, ये तो टास्क है, ठीक है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, दिस इज द टास्क ऑफ द टीचर, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन ए डिडेक्टिक मैनर। तो दोस्तों, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखे डिडेक्टिक, इसका मतलब ये है कि 99% ऑप्शन आपका वही है। अगर नेगेटिव वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्योंकि टीचर का जो काम ये नहीं है कि बच्चों को जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको वो रट्टा मार पढ़ाई वाली करवाए, यानी रट्टा मार पढ़ाई उसको करवाए, यानी कि बच्चों को एज ए टीचर आप ये नहीं कह सकते कि बेटा इसको रट लो आप। ठीक है, तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपका काम ये है कि बच्चों को आप समझाओगे, बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उनके डाउट्स लोगे, लेकिन आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन को ये नहीं कहना कि भाई आप जो है उस चीज़ को क्रैम कर लो, रट लो, ठीक है, बार बार उस चीज़ का रिकॉल करो, दैट इज़ नॉट ए करेक्ट वे। तो टीचर की जो प्राइमरी टास्क है वो ये नहीं है, ठीक है, प्राइमरी टास्क बोला इसने, दिस इज़ नॉट फॉर द टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी,
आशा करता हूँ कि आपके भी ऑप्शन मेरे साथ करेक्ट हो रहे होंगे। और चलते हैं, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करके चले। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो ऑलरेडी टैट्स क्रू चैनल पर आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, येट देर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग चिल्ड्रन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, आप थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को और बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर ए, कि जो डेवलपमेंट है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ना केवल कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिसाइजली मतलब होता है दोस्तों एक्यूरेट, कि डेवलपमेंट को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लें। दिस इज़ नॉट ट्रू बच्चों, आप डेवलपमेंट को, अब डेवलपमेंट कोई लेंथ और ब्रेथ थोड़ी ना हो गई कि आपने इंची टेप लिया और उसको नाप लिया प्रिसाइजली या एक्यूरेटली। दिस इज़ नॉट ए फाइनाइट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए, नहीं। अब नॉलेज का निर्माण हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, अब नॉलेज आपके अंदर आ रही है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो आप कोई मतलब कोई मशीन थोड़ी ना है कि हमें हमारे अंदर वो कनेक्ट हो जाए और फिर बता दे कि भाई इसके अंदर इतनी नॉलेज है, ठीक है। सो अभी प्रैक्टिकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हम डेवलपमेंट को प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकें, और ना शायद कभी फ्यूचर में हो ऐसा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कि डेवलपमेंट इज़ ए क्वांटिटी प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। डेवलपमेंट को कभी भी हम प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, द यूनिक इंट्रैक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यूनिक इंट्रैक्शन ऑफ, किसका इंट्रैक्शन, डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। किसका इंट्रैक्शन जो है वो डेवलपमेंट में डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है, एक्सप्लोरेशन, न्यूट्रिशन, चैलेंजेस, लिमिटेशंस, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट हैं ये आपके साथ साथ चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी एक का जो रोल सबसे बड़ा होता है, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते। हेरिडिटी आपको जन्म से लेके बायोलॉजिकली ट्रेट्स जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं वो चीज़ होती है, और जबकि एनवायरमेंट होता है जिस सरकमस्टांसिस में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को डेवलप, जब वो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, तो वहाँ पर दोनों ही चीज़ें वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दोनों ही चीज़ एक दूसरे को एक के साथ साथ चलती हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। किसी एक चीज़ का रोल बड़ा नहीं है, और ये एक ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चली हुई हैं, आज भी चल रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का रोल सबसे ज़्यादा है, और एट द सेम टाइम वी कैन नॉट से कि एनवायरमेंट का रोल सबसे बड़ा है, ठीक है। बट दोनों ही साथ साथ चलती हैं, कदम से कदम मिला के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। स्कूल, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है स्कूल एंड सोशलाइजेशन को लेके। स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल गलत बात। स्कूल जो है वो फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, फैमिली में आता है, तो बच्चा वहीं से ही सोशलाइजेशन की प्रोसेस को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो वहीं से बच्चा जो है सोशलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यस दिस इज़ ट्रू। हम कह सकते हैं कि स्कूल जो है वो फर्स्ट ना हो करके बल्कि इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि स्कूल में बच्चा जाता है और स्कूल में बच्चा जा कर के वहाँ पर दोस्तों के साथ मिलता है, टीचर से कॉन्टैक्ट करता है,
ये सारी चीज़ें उस बच्चे को सोशलाइज करती हैं। ठीक है, तो पहला जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, पहला जो एजेंट है वो तो है स्कूल, सॉरी माफ़ करना, पहला जो एजेंट है वो है फैमिली और दूसरा जो एजेंट है वो है स्कूल। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो एक बार पढ़ लो इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्याजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजेट थ्योरी को लेकर के क्वेश्चन है, इस पर कहा गया है कि प्याजेट थ्योरी के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आपको लग रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर रीड आप कर सकते हैं, द सिक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी, बिल्कुल कल्चरल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल अमेरिका में अलग तरीके से डेवलप होगा, इंडिया में अलग तरीके से डेवलप होगा। प्याजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, लगातार चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है, दैट नेवर स्टॉप। प्याजे हैज़ प्रपोज 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। द स्टेजेस आर, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्याजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो प्याजेट थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट, स्टेजेस जो हैं वो इनवेरिएंट हैं, विच मीन्स दैट नो स्टेजेस कैन बी स्किप्ड। मतलब प्याजे की जो जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें किसी, विच मीन्स दैट नो स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, किसी भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनवेरिएंट का क्या मतलब है, किसी भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, अब 4 स्टेजेस में बच्चा पहली स्टेज में आएगा सेंसरी मोटर स्टेज में, तो वो स्टेज हर बच्चे के जीवन काल में आएगी, उसके बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा तीसरी स्टेज को छोड़ के फोर्थ स्टेज पे चला जाए। ठीक है, कि भाई तीसरी स्टेज उसके जीवन काल में आई नहीं और वो फोर्थ स्टेज में एंटर कर गया। आपको एक बच्चा जो होता है वो जब जन्म लेता है और फिर उसका जो जीवन काल होता है 19-20 साल तक, क्योंकि 19-20 साल तक ही प्याजे की जितनी भी स्टेजेस हैं वो कवर हो जाती हैं 20 साल तक के आसपास, तो वो चारों स्टेज बच्चा जो है उसमें कवर करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे मीन्स दैट। अब आपको पता होगा कि प्याजे ने एक कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अपनी थ्योरी में। अब कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब, जैसे कोई भी क्वांटिटी होती है वो पहले भी जितनी है और उसके बाद अगर उसकी अपीरेंस अगर हम चेंज कर दें तो तब भी वो उतनी ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक जग में 1 लीटर दूध है और उस 1 लीटर दूध को हम किसी एक बोतल में डाल दें और बोतल में फिर से उस दूध को नापें तो भी वो 1 लीटर ही मिलेगा। ठीक है, 1 लीटर से कम नहीं हो सकता, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, दैट इज़ द कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और बच्चों को हम दिखा रहे हैं, बच्चों को अगर हम दिखा रहे हैं, तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीरेंस को चेंज कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, उसकी हाइट चेंज कर दी, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी भरी हुई है वो चेंज नहीं होगी, उसका अमाउंट दैट विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो दैट इज़ द कंजर्वेशन। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है आपको वो करेक्ट करना है कि भाई कंजर्वेशन जो उसने प्रपोज किया है वो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम इवन वैन आउटरवर्ड अपीरेंस चेंज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो है आपका राइट आंसर, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो कि अगर हम उसका अपीरेंस भी चेंज कर दें तो अब भी वो सेम ही रहेगी, दैट इज़ द कंजर्वेशन। ये वैसे के लिए बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है और फिजिक्स में तो काफ़ी बार यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हवार्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेके जो गार्डनर की थ्योरी थी, जो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में उन्होंने बताया है, जैसे म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, स्पार्शियल, तो उससे मैचिंग आपको करनी है एंड स्टेट। ठीक है, तो कर लेते हैं इसकी मैचिंग भी। जो म्यूजिकल है आपका, बेसिकली म्यूजिकल जाएगा आपका वायलोनिस्ट के साथ। ठीक है, जो म्यूजिकल है उसके साथ आपका वायलिनिस्ट के साथ जाएगा। लिंग्विस्टिक जाएगा आपका पोइट के साथ, बिल्कुल सीधी सी बात है क्योंकि पोइट का काम लैंग्वेज से रिलेटेड ही होता है। और इंट्रापर्सनल जाएगा थेरापिस्ट के साथ, और स्पाशियल जाएगा स्कल्पचर के साथ, क्योंकि स्पाशियल का काम वही
आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो स्कल्पचर का काम भी बिल्कुल वैसा ही होता है, अपीरेंस को मोल्ड करके चीज़ों को बनाना। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देख लें एक बार, तो ऑप्शन जो हमारे मैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए फोर्थ के साथ जा रहा है, बी सेकंड के साथ जा रहा है, सी फर्स्ट के साथ जा रहा है और डी फिफ्थ के साथ जा रहा है। तो दिस इज़ द मैचिंग क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, आप सभी जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी थी सोशलाइजेशन के ऊपर, बड़ी फेमस थ्योरी है। और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रहा है? चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उसके थ्रू बच्चा जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ये बात वाइगोत्स्की ने नहीं कही है दोस्तों। इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है। आप छोटे बच्चे हैं, आपके आसपास आपके पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, वट एवर दे आर स्पीकिंग आप इन्फ्लुएंस होते हो और आपकी वैसी ही लैंग्वेज मोल्ड होती जाती है। सी ऑप्शन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ह्यूमन के थॉट को चेंज करता है, ऐसा मानना था लेव वाइगोत्स्की का। अब आप धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, मान लो आपको हिंदी बोलनी आती है, आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहे हो, तो जैसे लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाई जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ह्यूमन की थॉट को चेंज करता है। जैसे मान लो अभी आपको हिंदी बोलनी आती है और आप इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें आपका क्या है कि जैसे जैसे आप लैंग्वेज को सीखते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी थॉट प्रोसेस भी चेंज होती है। यू बिकम एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो, लर्निंग करते हो, कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परामेंट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो है मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, तो आप जुड़े रहिए टैट्स गुरु चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, जो इनकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उनको क्रिटिसाइज किया गया, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट आपको लग रही है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला? तो कोलबर हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन ए मेल सैंपल, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ये, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि उन्होंने अपने जो सर्वे किया था, जो उन्होंने पब्लिक को बुलाया था, तो उसमें जितने भी सैंपल उन्होंने लिए थे उसमें ज़्यादा सैंपल मेल के थे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, अब जिसने इनको क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि आप इनके प्रोस्पेक्टिव पे जा तो रहे हैं लेकिन इन्होंने आधे से ज़्यादा सैंपल अपने मेल के लिए हुए हैं, तो इन्होंने फीमेल प्रोस्पेक्टिव, जो फीमेल का एक प्रोस्पेक्टिव होता है, उन्होंने वो लीव कर दिया था, जिससे कि इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इन क्वेश्चन को करने में, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि कितना स्कोर आपका आया है 10 में से। थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें फिर से मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।